तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों कल रात जेम्स गन ने फाइनली DCU के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की स्लेट को रिलीज कर दिया है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो सबसे पहले जो मूवी आएगी वो है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और फिर फ्लैश। अब देखो मुझे जैसा लगता है कि फ्लैश से प्रोबेबली DCU को रिबूट कर देंगे और फिर आएगी एक्वामैन 2 और ब्लू बीटल और ये दोनों न्यू DCU से कनेक्ट होंगी। अब बात करते हैं मेन मेन्यू की। तो सबसे पहले जेम्स गन ने इस पूरे चैप्टर को नाम दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर और इसमें जो भी मूवीज बताई हैं सिर्फ वो ही नहीं बल्कि और भी मूवीज होने वाली है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया है। तो जो सबसे पहले शो निकल के आता है वो है क्रिएचर कमांडोस। ये एक एनिमेटेड शो होने वाला है। क्रिएचर कमांडोस एक टीम होती है जो World War II के टाइम पे बनाई जाती है और इस टीम के मेंबर्स ह्यूमंस नहीं बल्कि वेम्पायर्स वगैरह होते हैं और ये सीरीज आगे कनेक्ट होगी वॉलर से जो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वॉलर। ये अमांडा वॉलर पे होगी जिसे हम द सुसाइड स्क्वाड में भी देख चुके हैं। और नंबर 3 पर जो मूवी है वो है सुपरमैन लेगेसी जो कि 2025 में आने वाली है। अब इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ डिटेल तो नहीं पता है। और नंबर 4 पर जो है वो है लैंटर्न्स जो कि एक टीवी सीरीज होने वाली है जिसमें हमें 2 ग्रीन लैंटर्न्स देखने को मिलेंगे, एक है हेल जॉर्डन और दूसरा जॉन स्टुअर्ट और ये दोनों ही ग्रीन लैंटर्न्स कॉमिक में काफी फेमस ग्रीन लैंटर्न्स हैं। अब इस सीरीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट मूवी पे जो है द अथॉरिटी। ये मूवी भी अथॉरिटी नाम की टीम पे होने वाली है। नंबर 6 पर एक लाइव एक्शन शो है जो कि पैराडाइज लॉस्ट है। ये सीरीज वंडर वुमन के प्लेस थेमेस्केयर के बारे में होगी और जेम्स गन ने कहा है कि ये कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी होगी। अब चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जो मूवी आती है वो है एक बैटमैन की मूवी जिसका नाम है द ब्रेव एंड द बोल्ड। इस मूवी में हमें बैटमैन के साथ बैटमैन कलर का डेमियन दिखाया जाएगा जो कि एक रोबिन है और ये मूवी हमें बैट फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाएगी। 8 नंबर पर एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है बूस्टर गोल्ड। अब बूस्टर गोल्ड फ्यूचर एक बंदा होता है जो फ्यूचर में एक लूजर होता है पर पास्ट में आकर फ्यूचरिस्टिक टेक्निक से हीरो बन जाता है और ये ब्लू बीटल का एक अच्छा फ्रेंड है। फिर 9th नंबर पर है सुपर गर्ल की मूवी जिसका नाम है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। और 10th नंबर पर आती है स्वैम्प थिंग। अब ये स्वैम्प थिंग कुछ मैन थिंग जैसा है मार्वल के जिसे हमने वेयरवुल्फ बाय नाइट में भी देखा था। स्वैम्प थिंग DCU से इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होगी पर आगे जाके इस करेक्टर को मेन टाइमलाइन में कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ मूवीज जिसे जेम्स गन ने अनाउंस करी। मैं तो इसमें सुपरमैन बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न्स को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। आपको ये स्लेट कैसी लगी और आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।